नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार के छात्र हर क्षेत्र में मौजूद है, क्योंकि फील्ड कोई भी हो, बिहार के छात्रों का बोलबाला देखने को मिलता ही है। हर साल बिहार में ऐसे छात्र निकलते ही हैं जो लाखों और करोड़ों का पैकेज अपने नाम करते हैं। उसमें ही अब एक और छात्र का नाम शामिल हो गया है और ये छात्र है NIT पटना के अभिषेक। NIT पटना के छात्र अभिषेक कुमार को अमेज़न ने बेहतरीन ऑफर दिया है, जिसके तहत ही अमेज़न की तरफ से अभिषेक कुमार को 1.08 करोड़ का पैकेज मिला है। सबसे खास बात तो यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार किसी छात्र का प्लेसमेंट NIT पटना से हुआ है। झाझा के रहने वाले अभिषेक कंप्यूटर साइंस ब्रांच के छात्र हैं। अभिषेक का चयन कंपनी की तरफ से 21 अप्रैल को कन्फर्म हुआ। अमेज़न के लिए अभिषेक ने 14 दिसंबर 2021 को कोडिंग टेस्ट दिया था। इसके बाद 13 अप्रैल को 3 राउंड का 1-1 घंटे का साक्षात्कार हुआ था। बीते 21 अप्रैल को ही कंपनी की तरफ से चयन का ऑफर अभिषेक को आया। अभिषेक का साक्षात्कार जर्मनी और आयरलैंड के पेशेवर विशेषज्ञ ने लिया। साक्षात्कार देने वाले विशेषज्ञ अभिषेक की कोडिंग स्पीड के साथ ही ब्लॉकचेन पर बनाए गए प्रोजेक्ट से काफी प्रभावित हुए। अभिषेक ने कहा कि उनका चयन उनके कोडिंग स्किल और अलग अलग तकनीक पर बनाए गए प्रोजेक्ट की वजह से हुआ है। संस्थान में अभिषेक की इस उपलब्धि पर खुशी का माहौल है। NIT पटना ने साल 2022 में लगातार प्लेसमेंट के रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं। फेसबुक, गूगल के बाद अब अमेज़न बर्लिन से CSE ब्रांच के छात्र अभिषेक कुमार को ये पैकेज मिला है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अभिषेक जमुई जिले के रहने वाले हैं। NIT पटना के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर डॉक्टर शैलेश एम पांडे ने बताया कि अमेज़न से इंटरनेशनल स्तर पर अभी तक किसी छात्र का प्लेसमेंट मिला ही नहीं था। विद्यार्थियों ने इस साल सारे ही रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अभिषेक के पिता इंद्रदेव यादव जमुई के ही सिविल कोर्ट में एक वकील और उनकी माता मंजू कुमारी हाउसवाइफ हैं। बेटे के सफलता से परिवार में खुशी का माहौल है। वहीं अभिषेक पटना के NIT का अंतिम साल में अभी फिलहाल छात्र हैं। अभिषेक दो भाइयों में छोटे हैं और उनका बड़ा भाई स्नातक कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। वहीं अभिषेक को मिली इस उपलब्धि के बाद पूरे परिवार में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। परिवारजनों ने अभिषेक की मेहनत की सराहना की है। वहीं अभिषेक ने सफलता के मिलने के साथ ही बताया कि मेहनत और लगन से इंसान कोई भी सफलता हासिल कर सकता है। अभिषेक ने बताया कि बीते 13 अप्रैल को जर्मनी और आयरलैंड के अलावा भारत के कई विशेषज्ञों ने उनका इंटरव्यू लिया था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें कोडिंग का शौक हो गया था। बेटे के सफलता पर पिता इंद्रदेव यादव ने बताया कि अभिषेक बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में होनहार थे। आज बेटे की सफलता पर गर्व महसूस हो रहा है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।